जीरा मामले में बचे लोगों का हो नार्को टेस्ट, छविंद्र कर्मा का बड़ा बयान, कवासी लखवा अमित जोगी का लिया नाम, कहा सामने आनी चाहिए सच्चाई। जगदलपुर में जीरम कांड की बरसी पर सीएम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, केंद्र सरकार और बीजेपी ने पूछे सवाल, कहा एफआईआर से गणपति और रमन्ना का नाम कैसे हुआ गायब, एनआईए ने आपराधिक षड्यंत्र की क्यों नहीं की जांच। पीएम से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल, 27 मई को नीति आयोग की बैठक, पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम से करेंगे चर्चा। भोपाल जेएमबी मामले में यूपी में एक्शन, एनआईए की दो जगहों पर छापेमारी, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, सिम कार्ड और कई बैंकों के पासबुक बरामद। सिंधिया में सांसद केपी यादव का बयान वायरल, बोले जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करना चाहिए। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंची बांग्लादेशी मुस्लिम महिला, सनातन धर्म अपनाने की लगाई अर्जी, बाबा बोले धर्मांतरण के पक्ष में नहीं लेकिन घर वापसी में विश्वास। कूनो नेशनल पार्क से आई एक और दुखद खबर, मादा चीता ज्वाला के दो शावकों की मौत, एक की हालत गंभीर। एमपी बोर्ड के नतीजे जारी, बेटियों ने फिर मारी बाजी, 10वीं में 63.29% और 12वीं में 55.28% स्टूडेंट्स हुए पास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात श्योपुर के करेंगे जहां पर कूनो से फिर एक बुरी खबर आई है, कूनो में चीतों के दो और शावकों की मौत हुई है, मौत की वजह का खुलासा भी नहीं हो पाया है, वन विभाग जांच में जुटा है। दो महीने के भीतर 6 चीतों की मौत हो चुकी है, पीसी सीएफ जेएस चौहान ने जानकारी दी, एक शावक की मौत होने के बाद से बीमार थे 3 अन्य शावक, डॉक्टरों की देखरेख और निगरानी के दौरान दो ने आज दम तोड़ दिया है। कूनो नेशनल पार्क से एक और दुखद खबर आई है, मादा चीता ज्वाला के दो शावकों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। कूनो से फिर से ये बुरी खबर, आपको बता दें फिर मादा चीते की मौत हुई है, दो मादा चीते की मौत हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे हैं। कूनो में चीतों के दो और शावकों की मौत की खबर है, मौत की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, वन विभाग जांच में जुटा है। दो शावकों की मौत हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दो महीने के भीतर 6 चीतों की मौत हो चुकी है, ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दो महीने के भीतर 6 चीतों की मौत हो चुकी है और एक दुखद खबर, फिर से दो शावकों की मौत, क्या वजह बताई जा रही है जो लगातार चीतों की मौत हो रही है? रितु, देखिए मार्च में 4 शावकों का जन्म हुआ था, ज्वाला चीता है ये जो नामीबिया से लाई गई थी, तो इन्होंने 4 शावकों को जन्म दिया था, ये 2 महीने के बच्चे थे शावक और इसके बाद से लगातार ये निगरानी में थे, लेकिन 23 मई को वहाँ पर कूनो में टेम्परेचर बहुत हाई था, उस दिन 46 से 47 डिग्री तापमान रहा था, तो उस दिन इन शावकों की अचानक से तबीयत बिगड़ी थी और इन्हें फिर हाई निगरानी में रखा गया था और इन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया था और वहाँ पर इनका शावकों का इलाज चल रहा था, तो 23 मई को एक शावक ने दम तोड़ दिया था। इसके अलावा आज खबर आई है कि उनमें से 2 शावक और दम तोड़ चुके हैं, अब एक शावक वहाँ पर जो है वो बचा हुआ है, लेकिन वन विभाग ने बताया है कि उस शावक की भी हालत अभी ख़राब है और उसे भी एक्सपर्ट की निगरानी में रखा गया, नामीबिया से भी एक्सपर्ट निगरानी में लगातार इलाज के लिए सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो कारण है अभी गर्मी का ही सामने आया है और ये बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। जी जी, बहुत कमज़ोर हो चुके थे, ये बात तो पहले भी कही गई थी कि बीमार हैं, कमज़ोर हैं, पर अगर लगातार ऐसा सिलसिला चल रहा था तो वन विभाग पर कई सवाल खड़े होते हैं कि निगरानी में उन्हें रखना चाहिए था, वो जो इलाज देना चाहिए था, जिसकी ज़रूरत थी वो समय पर मिलना चाहिए था, शायद ये तस्वीर नहीं देखने को मिलती, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही वन विभाग की तो रही है।
हाँ देखिए, कुनो प्रबंधन की तरफ से जवाब ये दिया गया है कि जो शावक थे वो शुरू से ही जब उनका जन्म हुआ था वो तभी से कमज़ोर थे। पर यह बात सही है कि लापरवाही की बात इसलिए भी मानी जा सकती है कि उनको जिस तरह की निगरानी में रखा जाना था, अगर इतना ज़्यादा तापमान था जैसा कि जिस दिन 23 मई को इन लोग की तबीयत खराब हुई थी, तो उस दिन कहीं ना कहीं उन्हें शिफ्ट करने के लिए का पहले ही फैसला लिया जाना चाहिए था। और जब एक शावक की मौत हुई उसके बाद प्रबंधन जागा है, तो ये वन विभाग की एक बड़ी नाकामी तो कही जा सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। सारागढ़ विलाईगढ़ की बात करेंगे अब। सर काटकर हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक ने आरोपी से लिफ्ट मांगी थी, लिफ्ट देने के बाद आरोपी ने किराया मांगा था, पैसे को लेकर विवाद हुआ था, विवाद के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया था। सर काटकर गांव में घूम रहा था शख्स, आरोपी ने पुलिस ने जो है अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ की यह खबर है। सिर काटकर हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक ने आरोपी से लिफ्ट मांगी थी, लिफ्ट देने के बाद आरोपी ने किराया मांगा था, पैसे को लेकर विवाद हुआ था, विवाद के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया था। सिर काटकर गांव में शख्स घूम रहा था, बता दें फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल हमारे साथ जुड़ गए। हरपाल, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास इस मामले में? जी रितु, बताना चाहूंगा पूरे मामले में जो है अभी भी जो मृतक है उसकी पहचान अभी भी पुलिस के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो है आरोपी की गिरफ्तारी के बाद और हत्या करने के बाद शव के तुरंत मिलने के बाद भी जो है पुलिस ने अब तक जो मृतक है उसकी पहचान नहीं कर सकी है। सारंगढ़ पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है और जो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जो मृतक है उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह आरोपी के साथ लिफ्ट में बैठा और लिफ्ट लेकर वह अपने गंतव्य के लिए जा रहा था, तभी सनकी युवक जो है कुछ पैसे के जो भाड़ा है उसको लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद में जो है उसमें लोहे के डंडे से, लोहे के और रॉड से जो है मार करके मृतक के जो युवक था उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो है वैसेपन ऐसा रहा कि उसको घर ले जा करके सिर को काट करके सिर और धड़ को अलग कर दिया। जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, जब ग्रामीणों को हुई, तब ग्रामीण सकते में आ गए और आनंद फानंद में सारंगढ़ के सरसीमा पुलिस को जो है इसकी सूचना दिए। सरसीमा पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को जब इसके बारे में अवगत कराया गया तब जो भी सुना वो दंग रह गया, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वैसीपन की सारी हदें पार कर दिया, किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद उसके घर में शव को रखा और शव को जो है दो टुकड़े में काट दिया। दो टुकड़ों में काटने के बाद जो है उसे गांव में नुमाइश के लिए घुमा रहा था। तो इस तरह का वैसीपन जो है पुलिस पहली जो आरोपी है उसको गिरफ्तार की, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद अभी तक उसका जो मृतक है मृतक का पहचान नहीं हो सका है। ऐसे में पुलिस के जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मामले में मृतक की बॉडी भी मिल चुकी है, हत्या में प्रयुक्त सामान भी मिल चुके हैं और जो आरोपी है वह भी पुलिस गिरफ्त में आ गया है, लेकिन जो मरने वाला कौन है इसके बारे में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। जो अभी तक जो इसमें सामने आए हैं बातें उसमें यही बताया जा रहा है कि जो मारने वाला आरोपी है वह आदतन नशेड़ी है और कई तरह के आपराधिक जो गतिविधियां हैं उसमें संलिप्त रहा है। रायगढ़ पुलिस ने ही कुछ महीने पहले उसके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी के बाद जो है जो आरोपी है वो छूटा हुआ था और छूटने के बाद अपने सारंगढ़ निवास जा रहा था, तभी यह घटना हुई। सारंगढ़ निवास जाने के दौरान मृतक जो है उसे लिफ्ट मांगा, लिफ्ट के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी। अब मृतक कौन है पुलिस इसके बारे में खंगाल रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। निगम ठेकेदार की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। खुलेआम तलवार लहराकर होटल संचालक को धमकाया है। आरोपी ठेकेदार अश्विनी कुमार पर मामला दर्ज हुआ है। होटल संचालक को जान से मारने की धमकी दी, तार बहार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो
ये रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। निगम ठेकेदार की खुलेआम गुंडा गर्दी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, गुंडागर्दी, निगम कर्मचारी की गुंडागर्दी यहाँ पर देखने को मिली है, आखिर क्या है पूरा मामला? ठेकेदार क्यों इतनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं? देखिये ऋतु, ये पूरा मामला बिलासपुर के साल का है, कारबहार थाना क्षेत्र का है। और ये ठेकेदार ने आपको बता दी कि एक होटल संचालक है, उसे डराने तलवार पर लहरा रहा था। इससे पहले भी कारबहार थाना क्षेत्र में दो मामले हैं वो आ चुके हैं इस तरह से गुंडागर्दी करने का जो। और अभी जो जानकारी है, अश्वनी कुमार यादव है, ये इसके कई मामले भी दर्ज है और तार लहरा रहा था। इस दौरान कारबहार थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस अब इसकी पड़ताल कर रही है। और इस तरह से न्यायधानी में लगातार जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग हैं उनकी तस्वीर है, वो आ रही है सीसीटीवी फुटेज में भी, पूरी घटना है वो कैद हुई है। तो अब पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, अब ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरह से खौफ बनाने का ये प्रयास है जो अश्वनी है वो कर रहा था, तो अब देखना होगा कि पुलिस कब इन्हें गिरफ्तार कर पाती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदलपुर की बात करेंगे, जीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। जीरम के शहीदों को सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी, शहीदों के परिजनों से भी मिले हैं मुख्यमंत्री। परिजनों से मिलने के दौरान सीएम भावुक हो गए, सीएम बघेल का आंसू छलका। आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? जीरम कांड में गणपति और रमन्ना की मुख्य भूमिका रही, बड़े नेताओं को मारना ही नक्सलियों का मुख्य मकसद था। एनआईए ने जांच पूरी नहीं की, कौन है अपराधी पता नहीं किया गया है, किसके कहने पर नक्सलियों के काम नाम जो है हटाए गए, शहीदों के परिजन पूछ रहे न्याय आखिर कब मिलेगा, बड़े नक्सलियों को एनआईए ने क्यों नहीं पकड़ा, षड्यंत्र करने वालों को क्यों बचा रही है बीजेपी, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी, केंद्र में जब सरकार बनेगी सच लाया जाएगा बाहर। जब भी 25 मई आता है हम सबका दिल भर जाता है। वो घटना सबके नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे। एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज की, उस प्राथमिकी में गणपति का भी नाम था, रमन्ना का भी नाम था, क्योंकि नक्सली पूछ के नहीं मारते, लेकिन उस दिन सबको पूछ के, जैसे नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा उनके हाथ लगे, उसके बाद धरपकड़, मारपीट या हत्या करना उन्होंने बंद कर दिया था। उनका उद्देश्य केवल 3-4 व्यक्तियों के लिए था, उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब ही है कि वो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे पकड़ में आए उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की बात करेंगे, महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा का बड़ा बयान आया। जीरम हमले में बचे लोगों का नार्को टेस्ट हो, कवासी लखमा और अमित जोगी का नार्को टेस्ट हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। छविंद्र कर्मा ने कहा बीजेपी ने अब तक सच सामने आने नहीं दिया। कि जीरम जैसी बड़ी घटना घटित हुई है, उस घटना में हमारे फादर शहीद हुए हैं, हमारे बड़े बड़े फ्रंट लेवल के लीडर शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, जो भी बच के आया है उनका नार्को होना चाहिए। मैंने ये बात को कहा था, आज भी मैं कायम हूँ, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं क्लियरली बताता हूँ कि उस दौरान सभी
लखमा जी का जैसे मैंने नाम लिया था, अजीत जोगी जी का मैंने नाम लिया था, अमित का लिया था, तो आज चलिए हमारे बीच में जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो है। हम ये जानना चाहते हैं भाई, नार्कोस हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो न्याय के लिए जानना चाहते हैं कि लखमा जी आप साथ में थे। अमित तुम उस दौरान पे तुम जंगलों में क्या कर रहे थे जब परिवर्तन यात्रा निकली थी? इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि हमने खोया है वो ओपन तो हो कि इनकी क्या भूमिका है, हम तो जानना। जगदलपुर से बड़ी खबर है, झीरम हमले की जांच को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है, कवासी लखमा की जांच होनी चाहिए, साथ ही रमन सिंह और मुकेश गुप्ता की भी जांच हो, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती सच बाहर आए। ये उन्होंने मीडिया के थ्रू बात नहीं, किससे मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जांच कर नहीं रहे हैं, मैं तो पहले बताया हमको जांच करने से रोका जा रहा है और इन्हें जांच नहीं कर रही है, हम तो उसमें और जोड़ रहे हैं, लखमा जी भी जांच होना चाहिए, उसमें रमन सिंह और मुकेश गुप्ता भी जांच होना चाहिए, कर रहे ना, तकलीफ क्या है? जांच में सच्चाई सामने आना चाहिए और जांच एनआईए कर रही, भारत सरकार कर रही है, हम तो यही कर रहे हैं, जांच हमको देना, हम सब करेंगे। तो 10वीं बरसी जो है झीरम हमले की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर में हैं और कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नार्को टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए, आखिर नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, झीरम घटना में एनआईए की जांच पर भी कई सारे सवाल मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, वो बोले हैं नक्सली रमन्ना गणपति का नाम आखिर एफआईआर से क्यों हटाया गया, तो कई सारी बातें सीएम भूपेश बघेल द्वारा कही गई, केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी, एनआईए की जांच पर सवाल भी उठाए हैं सीएम भूपेश बघेल ने। तो झीरम हमले के शहीदों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी, नक्सल घटना में मारे गए कांग्रेस नेताओं और जवानों के परिजनों से मुलाकात भी सीएम ने की है। 10 बरस पूरे हो चुके हैं 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर पहुंचे और यहां संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के झीरम मेमोरियल में पहुंचकर नक्सल घटना में मारे गए नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात भी सीएम ने की है, पीड़ित परिवार से मिलकर भावुक भी हुए सीएम भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, झीरम कांड को 10 बरस आज हो चुके हैं और इसी दिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिजनों से, शहीदों के परिजनों से मुलाकात करने भी पहुंचे हैं, भावुक भी नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने एनआईए की जांच पर कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। बिल्कुल, देखिए झीरम कांड को लेकर अभी 10 साल हो गए हैं और इस पर अगर हम बात करें तो होल सिर्फ सियासत रही है और उसका सच अभी तक के सामने नहीं आ पाया है। पीड़ित जो है वो अभी भी चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन सच का कोई सूत्र जो है वो एक तरह से कहें कि सामने नहीं आ रहा है सिवाय सियासत के और राजनीतिक बयानबाजी के। अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह ये कहा था कि रमन्ना और गणपति के नाम जो है वो क्यों हटा दिए गए और बीजेपी की जब केंद्र में सरकार आई उसके बाद से नाम हटा दिए गए, जबकि मुख्य रूप से उनका नाम इस पूरी उस घटना में सामने आया था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने एनआईए जांच पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि एनआईए जो है वो अपनी जांच को हमें एसआईटी जांच को लेकर अनुमति नहीं देती और एसआईटी जांच के लिए जब भी हम लगाते हैं तो विपक्ष के लोग जो हैं वो स्टे ले आते हैं, उनका सीधा सीधा निशान, उन्होंने धर्मलाल कौशिक का नाम लिया जो उस समय के नेता प्रतिपक्ष थे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अभी छविंद्र कर्मा का भी बयान आया है, छविंद्र कर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है और अब ये जो बयान है वो एक तरह से कहें कि सियासत को गरमाने वाला बयान है। उसमें उन्होंने कहा कि झीरम कांड में जो भी बचे हुए लोग हैं उनके नार्को टेस्ट होना चाहिए,
चाहिए और इसमें उन्होंने नाम लिया कवासी लखमा जो है उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, अमित जोगी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसको लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी पहले भी कवासी लखमा के नार्को टेस्ट को लेकर बात करती रही है। अभी हम इसी को लेकर हमने बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है बृजमोहन अग्रवाल उनसे बातचीत की। बृजमोहन अग्रवाल का कहना था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर, उनका कहना था कि भूपेश बघेल जो है वो अब खुद मुख्यमंत्री है तो चाहे जैसी जांच करवा ले जिससे जांच करवा ले। कभी वो कहते थे कि उनका जो सबूत जो है वो जेब में है तो अब जांच क्यों नहीं करवाते। दूसरी बात अगर हम बात करें तो छविंद्र कर्मा के बयान पर उन्होंने कहा कि छविंद्र कर्मा जिनके पिता खुद इसमें नक्सल घटना में जो है वो मारे गए थे, अगर वो ये बयान देते हैं कि कवासी लखमा और अमित जोगी का नार्को टेस्ट होना चाहिए तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए और तत्काल सरकार को जो है वो नार्को टेस्ट की घोषणा करनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर सियासी बयानबाजी जारी है। आज एक बार फिर से 10 साल होने पर श्रद्धांजलि जो है वो हर तरफ से दी जा रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सवाल जो है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर उठा रही है और एनआईए पर भी उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि जांच रिपोर्ट जो है वो सामने आए, तो ये सियासत जारी है और इसके बीच में सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि झीरम का सच जो है वो कब सामने आ पाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक एक इंतजार करते हुए पिछले दिनों देखा था कि दौलत रोहड़ा जो है उनकी मृत्यु भी हो गई थी, वो भी इसके उस समय जो है वो के पीड़ित थे और रिपोर्ट का जांच की जो सच्चाई है उसका ही इंतजार कर रहे थे। जी झीरम हमले से पूरा देश दहल गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और सवाल तो देखिए खड़े होंगे होंगे। जांच की मांग हो रखी है, यहां पर बात यह भी है कि सीएम भूपेश बघेल एनआईए की जांच पर तो सवाल उठा ही रहे, साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि एफआईआर में कुछ नाम है, आखिर उन नक्सलियों के नाम क्यों हटाए जा रहे हैं। देखिए इसको लेकर कांग्रेस पहले से लगातार सवाल उठाती रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले भी ये बात कही थी। उनका कहना था कि रमन्ना और गणपति इनके नाम क्यों हटाए गए और ये एफआईआर से नाम क्यों हटाए गए, उनकी संपत्ति कुर्क करने का जो है वो आदेश दिया गया था और एनआईए की जांच में भी जो है शुरू में ये था कि उनके नाम थे, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद में और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद में ये नाम हटाए गए, तो ये अपने आप में एक सवाल है उन्होंने कहा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एसआईटी जांच को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम जो है एनआईए जांच नहीं कर रही है और ना ही एसआईटी जांच की परमिशन दे रही है, और एसआईटी जांच को लेकर जब भी हम जो है वो तैयार करते हैं एक कमेटी उसके बाद में बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो चले जाते हैं हाईकोर्ट और स्टे लेकर आ जाते हैं। उन्होंने धर्मलाल कौशिक को लेकर कहा कि इसके पहले धर्मलाल कौशिक जो है वो स्टे लेकर आ गए थे, तो सवाल इस बात को लेकर उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि जब जांच बीजेपी भी चाहती है तो ऐसे में राज्य सरकार। देखिए 10 बरस बीत चुके हैं और जांच पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं आखिर देखने वाली बात होगी कि लंबे वक्त से जो मांग की जा रही है नार्को टेस्ट के वो होता है या सिर्फ इस तरह से बयानबाजी ही चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना है।